आतंकवादियों के पास से 11 AK 47 राइफल बरामद किए हैं और साथ ही आपको बता दें कि भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिली है। आपको बता दें कि ये फायरिंग ट्रक की तलाशी पर शुरू हुई थी और 3 घंटे तक मुठभेड़ चली। जम्मू कश्मीर में DDC और पंचायत चुनावों में गड़बड़ी के साथ ही किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे के साथ आए थे आतंकवादियों को नहीं मालूम था कि सुरक्षा बलों के शौर्य के सामने उनके नापाक मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। मुठभेड़ में मारे गए 4 आतंकवादियों के पास से 11 AK-47 राइफल्स सहित बड़ी संख्या में गोला बारूद मिली है, लेकिन काल बनकर सामने आए जवानों के सामने ये सभी हथियार बौने साबित हुए। जम्मू के नागरोटा में टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान सेना के जवानों ने 4 आतंकवादियों का किया एनकाउंटर। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस के IG ने जानकारी देते हुए बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। एक ट्रक की तलाशी शुरू करने पर फायरिंग शुरू हो गई थी और उसके बाद 3 घंटे तक एनकाउंटर चला। ऑपरेशन को पुलिस, CRPF और आर्मी की लोकल यूनिट ने अंजाम दिया। आपको बता दें सुबह 5 बजे प्लाजा पर संदिग्ध ट्रक पहुंचा था। ये आतंकी ट्रक में ही बोरियों के बीच में छिपकर बैठे हुए थे। वहीं से वे सुरक्षा बलों पर गोली चलाने लगे। जवाब में सुरक्षा बलों ने उस ट्रक को ही उड़ा डाला। इस मुठभेड़ के बाद उधमपुर जिले में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही माता वैष्णो देवी मंदिर के कटरा बैस कैंप की सुरक्षा व्यवस्थाई RPF और जम्मू कश्मीर पुलिस को सामा सेक्टर से नगरोटा टोल प्लाजा की ओर 4 आतंकवादियों के मूवमेंट की खबर मिली थी। बीते 1 फरवरी 2020 को भी पाकिस्तानी आतंकियों को लेकर जा रहे एक ट्रक को नगरोटा के इसी टोल प्लाजा के पास रोका गया था। उस एनकाउंटर में जैश के 3 आतंकी मारे गए थे। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।